जन के रे बिरवा हो। नमस्कार इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, भोर का समय बीत चुका, दिन का समय आ चुका, सूर्य देवता जो हैं वो भी हमारे समक्ष आ चुके हैं और वक्त है सूर्य की उपासना की। बिल्कुल, सूर्य उपासना का ये अनुपम महापर्व है छठ का पर्व, जो हर बिहारवासी के कहीं ना कहीं दिल में बसता है। ये केवल एक ऐसा पर्व नहीं है दर्शकों जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बल्कि एक ऐसा पर्व है जो हमारे आत्मा में समाता है, हमारे दिल में समाता है। तो चलिए आज डीडी बिहार और बिहार बिहान के पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को छठ पर्व की अशेष शुभकामनाएं देती हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं। बिल्कुल आपने ठीक समझा है, आज हम मनाने वाले हैं छठ पर्व को बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से। और कौन होंगे हमारे ये ख़ास मेहमान, उनसे आपको तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की हम हर रोज़ शुरुआत करते हैं अनमोल वचन से, ताकि हम पूरे दिन सकारात्मक रह सकें। अनमोल वचन होते हैं कुछ महापुरुषों के, तो आज हम आपको दिखाएंगे महात्मा गांधी के अनमोल वचन। आइए देखते हैं हमारा पहला और सबसे बेहतरीन सेगमेंट अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान के साथ। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज हम बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से लोक पर्व महापर्व छठ मनाने वाले हैं, तो हमारे साथ लोक गायिका मौजूद है हमारे स्टूडियो में, कविता चौधरी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। और इन्हीं के साथ में हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दर्शकों, तो अब और वक्त ना गवाते हुए मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, छठ गीत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कि मैं छठ गीत आरंभ करूं, सबों को हमारी ओर से छठ महापर्व की अनेकों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं छठ गीत। कोपी कोपी बोलेली छठी माई, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, तोरा घाटे दुभिया जनमी गईले, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले, हाथ जोड़ी बोला ले सेवक लोग, सुनाए छठिए माई, सुनाए छठिए माई, राउर घाटे दुभिया छिलाई देबो, मकड़ी उजाड़ी देबो, मकड़ी उजाड़ी देबो। हाथ जोड़ी बोलले सेवक लोग, सुनाए छठिए माई, सुनाए छठिए माई, राउर घाटे घटिया बनाई देबो, मंडप सजाई देबो, मंडप सजाई देबो, कोपी कोपी बोला ले छठिए माई, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, तोरा घाटे दुभिया जनमी गईले, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले। पूजा, जैसा कि गीत की पंक्तियां हैं,
तो ये दर्शाता है हमारी स्वच्छता की ओर कि भाई साफ सफाई जो अभियान भी चला रही है हमारी सरकार। तो पौराणिक गीतों में भी इन सभी चीज़ों का महत्व और वर्णन है हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में। मुझे ऐसा लगता है कि हम बिहारवासी तो बहुत वक्त से ही बहुत 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 शुरू से, इसलिए तो इन गीतों में भी उल्लेख है। बिल्कुल उल्लेख है। हाँ, गीतों की आपने बात करी है और लोक गीत आप गाती हैं जी, तो गीतों में बहुत सारे उल्लेख आते हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ लोक गीत की, कहते हैं कि वो हमारे घर से निकली हुई गीत होती है, हमारे मिट्टी से निकली हुई गीत होती है। आपसे जानना चाहूँगी कि लोक गीत आपने चुना अपने ज़िंदगी में, लोक गीत को आपने अपने भीतर उतारा, किस तरीके से शुरुआत हुई लोक गीत सीखने की? हाँ, लोकगीत तो मैंने बाद में ये किया, घर का माहौल था, म्यूजिकल था, सभी संगीत प्रेमी थे, हालांकि हम लोग बहुत प्रोफेशनली नहीं थे इस क्षेत्र में, बट मेरी एक मामी जो थी वो लोक गायिका थी रेडियो से, तो उनके यहाँ मेरा आना जाना नेचुरली था ही, मामा मामी थे, तो वहीं से मुझे लोकगीत गाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम इसको शुरुआत करो, अच्छा लगेगा। पहले तो मुझे भाषा का ज्ञान नहीं था भोजपुरी का, जब मैं सुनने लगी और बैठने लगी उनके जो भी प्रैक्टिस होती थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना मतलब समृद्ध है हमारा लोक संगीत। तो खासकर कुछ हर विधा के गीत हैं, विवाह जन्म से लेकर मृत्यु तक, बिल्कुल, तो और इतने रिदमिक, इतने मेलोडियस, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मेरी रुझान जो है लोक गीतों की ओर हो गई, और तब से हम लोग मतलब शुरुआत हो गई हमारे लोकगीत की। बिल्कुल। और 20-25 वर्ष हो गए गाते गाते जी। तो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन लोकगीत जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल, हम आज भी वही पौराणिक लोकगीत गाते हैं, सुनते हैं और उतना ही आनंद उठाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक सफर के लिए एक लोकगीत बना हुआ होता है, एक या अनेकों लोकगीत बने होते हैं। हम जब घर में होते हैं, किसी भी विधि विधान में होते हैं, उसमें कोई ना कोई लोकगीत ज़रूर संलग्नित होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ छठ पर्व के बारे में, ये भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये एक पर्व है, त्यौहार, बिल्कुल, और जब इस त्यौहार की बात आती है तो फिर छठ गीत अपने आप कानों में गूंजने लगती है जी। आपने एक बहुत सुंदर से भजन के साथ, छठ गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। छठ गीत पे हम बातचीत करेंगे और भी आगे बहुत सारी आपसे जानकारियाँ लेंगे, चर्चा करेंगे, ये भी जानेंगे कि आपके लिए छठ की क्या महत्ता है, आप किस प्रकार मनाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि क्यों ना छठ की बात हो रही है, तो छठ गीत की और किस तरीके से हम मनाते हैं उसकी बात हो रही है, तो कोई एक छठ गीत पहले हमारे दर्शकों के लिए आप रखें। केरवा के पात पर उगे लन सूरज मल झांकी झुकी, केरवा के पात पर उगे लन सूरज मल झांकी झुकी, हे कर लू छठ बरतिया से झांकी झुकी, हे कर लू छठ बरतिया से झांकी झुकी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी।
बहुत सारी बातें हैं और बेटा बेटी ये सब हमारे पौराणिक गीतों में इनका वर्णन है। बिल्कुल, आज हम बेटा बेटी का ये करते हैं लेकिन है उल्लेख गीतों में ही है। बिल्कुल, लोकगीत की बात हम कर रहे थे, आपने भी कहा कि लोकगीत हमारे घर में रचा बसा होता है, हमारे हृदय में रचा बसा होता है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो लोकगीत जरूर गाया जरूर जाता है और उसके बिना ऐसा लगता है कि शायद घर में कुछ हो ही ना रहा हो। जैसे ही गीत कान में पड़ती है कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो दोगुना हो जाता है। मैं चाहूंगी कि आप लोक गायिका हैं तो क्यों ना छठ गीत के साथ साथ एक कोई लोकगीत हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जैसे आपने कहा कि रचा बसा है और घर परिवार में, पहले तो विवाह जब शुरुआत ही होती थी कि अब शादी होनी है, घर में विवाह का वातावरण तो उसको क्रिएट किया जाता था, सभी लोग इकट्ठे होते थे, घर की महिलाएं, और इतने सारे गीत, मतलब हर विधा के गीत, हर जो उपलक्ष्य होती हैं विवाह में, जो रस्में होती हैं उनके अलग अलग गीत और बहुत सारे गीत, और संबंधों की बात आप कर रही थी तो वो भी इतना महत्वपूर्ण था। अब तो इतना फास्ट हो गया है लाइफ हमारा और विलुप्त सी होती जा रही है ये प्रथा बोलिए या जो भी है, ये हमारे धरोहर हैं। तो मैं तो बीच में ही बोलना चाहूँगी कि इसको हम लोग कंटिन्यूटी में लाएं और बच्चों को भी बताएं, ये हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है। तो संबंधों की बात करें, जो विवाह गीत होते थे तो देखिए एक गीत है विवाह का, जो बेटी बोल रही है अपने पिता को, हरे हरे बसेवा कटैहा हो बाबा, तबे करिहा धिया के बियाह हो, हरे हरे बसेवा कटैहा हो बाबा, तबे करिहा धिया के बियाह हो, रूसल गोतिया मनैहा हो बाबा, तबे करिहा बेटी के बियाह हो। तबे करिहा धिया के बियाह हो, तबे करिहा धिया के बियाह हो। मैंने संबंधों की बात हम कर रहे थे तो रूसल गोतिया जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको पहले मना लो बाबा, फिर शादी की शुरुआत करो, जो भी विवाह संबंधी, तो ये सारी चीजें गीतों में ही पाया जाता है। बिल्कुल, तो और इसीलिए कहा जाता है कि लोकगीत बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। लोकगीत की बात कर रहे हैं, आपने रिश्तों की भी बात की और रिश्तों पर आधारित एक लोकगीत भी आपने सुनाया। आज छठ का महापर्व हम मना रहे हैं और छठ गीत हम सभी जानते हैं, सुनते हैं और कभी भी छठ गीत से मन नहीं भरता, जितना सुनते जाएं मन करता है और अधिक सुने, तो वही मन कहीं ना कहीं हमारा भी कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि छठ पर्व यूँ तो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर मैं बात करूँ बिहार वासियों की तो हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में बसता है। आप किस प्रकार से छठ पर्व जो है वो मनाती हैं, आपके लिए क्या कुछ महत्व है इसके? आपने पहले ही कहा कि सभी, अमूमन सभी परिवारों में छठ पर्व मनाया जाता है, तो हमारे परिवार में भी मनाया जाता है और उसी हर्षोल्लास से गीत होते हैं। और चूंकि मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, तो मैं भी गाती हूँ और सबके साथ, परिवार के साथ, और बड़े ही मतलब तन्मयता से, और मैंने देखा है कितनी तन्मयता से उपासना की जाती है, जो व्रती होती हैं, और कितने नियम से नियमों का पालन होता है, तो बड़ा ही सुंदर सा एक माहौल बनता है। स्वच्छता, साफ सफाई से प्रसाद बनाया जाता है
और नए नए जो अभी इस मौसम में जो होती हैं, मूली है, ईख है, वो सारी चीज़ें हम अर्पित करते हैं और नया चावल का ये खीर बनाकर, पकवान बनाकर, ठेकुआ सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो छठ का ठेकुआ जब हम खाते हैं और तो ये बिहारी डेलिकेसी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और गुड़ जी, चूंकि ईख नया है तो गुड़ भी उतना ही स्वादिष्ट और मीठा होता है, तो उससे ही हम पकवान बनाते हैं और काफ़ी मतलब घर को धोते हैं और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है ताकि कहीं से भी अशुद्ध वातावरण ना हो। तो आप देखेंगे कि कितना माहौल, कितना शुद्ध वातावरण, कितना पर्यावरण, कितना साफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक समरसता, इक्वालिटी, हाँ, नए नए बांस की हम लोग वो सूप डलिया, उसमें ही हम लोग प्रसाद का भोग लगाते हैं और अर्घ देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कितना वैज्ञानिक है, आप बहुत गहन इसमें जाएंगी तो कितना वैज्ञानिक है ये चीज़। माहौल ही एकदम बदल जाता है और सकारात्मक भावनाएं, व्रती जब जल में खड़ी होती हैं और काफ़ी देर तक उन्हें या संझा का हो अर्घ, तो अस्ताचल सूर्य को देना है अर्घ, या सुबह का अर्घ देना है प्रातःकालीन, तो उस समय जल में खड़ी होती हैं तो आप देखेंगे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जल में जब खड़ी होती हैं और फिर जो उनके शरीर पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सारे टॉक्सिन्स आपके निकल, मतलब एक तरह से आपका शरीर डिटॉक्स होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर समाहित होती है। तो ये बहुत ही सुंदर सा माहौल आप भी देखती होंगी, हर जगह साफ सफाई, बिल्कुल, तो घर में भी वही है और बाहर भी वही है। मैं तो चाहूंगी 12 महीने ऐसे ही हम लोग इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा है, ये तो एक बहाना है, हम एक मान्यता से हम मानते हैं कि प्रकृति से जोड़ दिया बहन, हम मानते हैं छठ मैया को और उनकी उपासना करते हैं, ये सब हमने धर्म से जोड़ा है क्योंकि ये हमारी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे शारीरिक स्वभाव के लिए भी बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो भी स्वच्छ हो जाती है। अगर अभी हम कहीं भी चले जाएं, बिहार या यूपी के किसी भी छोटे से गांव में भी चले जाएंगे, तो वहाँ हमें बिल्कुल स्वच्छ वातावरण नजर आएगा, हर एक घर बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा नजर आता है इस वक्त में। तो बातचीत बहुत सारी हो रही है, छठ पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बिल्कुल आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे दर्शक जो है ना वो छठ गीत के लिए तरस रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक और कोई बहुत सुंदर सा छठ गीत आप जरूर रखें। इसमें कई व्रती जो होती हैं, इतनी सारी मतलब उनके विशेष जो हैं, जो दबी हुई इच्छा है, जो वो मनोकामनाएं, वो सूर्य भगवान से, छठी माई से उनकी आराधना करके पूरा करवाती हैं, मनोकामना उनकी पूरी हो। एक गीत में पारंपरिक गीत है, सात गो चौखटियाए दीनानाथ, सातो लागल के बा, सात गो चौखटिया ए दीनानाथ, सातो लागल के बा, बीचला चौखटिया ए दीनानाथ, बांझिन धैले था, बीचला चौखटिया ए दीनानाथ, बांझिन ढैले था, सात गो चौखटिया ए दीनानाथ, सातो लागल के वा, सात गो चौखटिया ए दीनानाथ, सातो लागल के वा। लिहाला उठा, सब के
निहाला उठाए बांझी ने तीरियवा ए दीनानाथ असही तवाए बांझी ने तीरियवा ए दीनानाथ असही तवाए सहलो न जाए गोतिन मारे तनाए दीनानाथ सहलो न जाए आईली शरणियाए दीनानाथ अरग ले ले था आईली शरणिया ए दीनानाथ अरग ले ले था सात गो चौखटिया ए दीनानाथ सातो लागल के वा बीच ला चौखटिया ए दीनानाथ बांझिन धैले था बीच ला चौखटिया ए दीनानाथ बांझिन धैले था सात गो चौखटिया ए दीनानाथ सातो लागल केवा। क्या बात है, बहुत सुंदर पारंपरिक गीत और संस्कृति में कहीं ना कहीं ये रचा बसा होता है। पारंपरिक गीत की बात आपने यहाँ पर गा के भी सुनाई है। आपसे जानना चाहूँगी कविता जी, जो हमारा ये जेनरेशन है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलुप्त होता नज़र आता है, तो उसे संभालने की ज़रूरत है, बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन पारंपरिक गीत का तो अर्थ ही ये होता है कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ये परंपरागत ये चलता ही रहे, हम आगे नेक्स्ट जेनरेशन को ये पास ऑन करते रहे, देते रहें। आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, ख़ास करके जो उनके बच्चे हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो किस तरीके से ग्रहण कर पाए, ये इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, ये कहीं खोने नहीं चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जैसे विलुप्त होती जा रही हैं ये गीत, अब टाइम नहीं है लोगों को और मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं लोग, बच्चे आज के, तो सबसे पहले तो माता पिता का ही कर्तव्य बनता है कि वो इन गीतों से, हमारी संस्कृति से अवगत कराएं हमारे बच्चों को, और तभी ये चलता रहेगा, एक निरंतर कंटिन्यूटी में रहेगा। क्योंकि बहुत से बच्चों को मालूम भी नहीं है कि हमारे पास इतने सारे गीत हैं, संगीत, लोकगीत हैं, तो सबसे पहले तो हमारा ही कर्तव्य है माता पिता का, फिर आगे जो भी इस लोक संगीत में कार्य कर रहे हैं, जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं, तो उनका भी यही कर्तव्य बनता है। लोक परंपरा पे बातचीत हो रही थी, तो परंपरागत जब विवाह की आपने बात करी कि वहाँ पे एक नए संबंध का जुड़ाव होता है, एक नया परिवार आकर हमारे परिवार में मिल जाता है, बहुत सारे नए रिश्ते नाते बनते हैं और बहुत कुछ होता है उस वक्त में। एक लड़की के लिए और कहूँगी एक लड़के के लिए भी, दोनों की ज़िंदगी का एक नया अध्याय लिखाता है। आपसे चाहूंगी कि एक और प्यारा सा लोकगीत आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर प्रस्तुत करें। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के साथ सुहागिन चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल है, चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल है, निंदिया के मातल दुल्हा पल को ना खोले है, निंदिया के मातल दुल्हा
छोटी छोटी सासू बाड़ी बर चुक दामाद है, छोटी छोटी सासू बाड़ी बर चुक दामाद है। खुल हूँ ना झांझर पर्दा से की दोनों गाल है, खुल हूँ ना झांझर पर्दा से की दोनों गाल है, खुल हूँ ना झांझर पर्दा। कितनी खूबसूरती से विवाह के रीति रिवाजों को दिखाया गया है इस गीत में, बहुत सुंदर लोक गीत। और मैंने दर्शकों से भी कहा संबंधों की माधुर्य जो है वो लोक गीतों में ही झलकती है। हाँ, और तभी अगले जनरेशन को ये लोक गीत जानना और सीखना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि पूरे साल हमें इंतजार होता है छठ महापर्व का, छठ गीतों को सुनने का, और आज का वो दिन है संध्या अर्घ का। आज ये दिन बहुत ही खूबसूरत और इंतजार बस हो रहा है कि कब शाम हो, कब शाम। और हम ढलते सूरज को अर्घ दें, हम घाट के किनारे पहुंच जाएं। उसका इंतजार करते करते कहीं ना कहीं बिहार बिहान कार्यक्रम जो है ये लेकर चला है आज छठ गीतों को आपके साथ में। तो मैं चाहूंगी कि एक प्यारा सा छठ गीत क्यों ना हो जाए संध्या अर्घ को याद करते हुए। जलवा के भीतर तिवे थर थर कांपे देव उगीना, जलवा के भीतर तिवे थर थर कांपे देव उगीना, भैले अरघिया के बेर सूरज देव उगीना, भैले अरघिया के बेर सूरज देव उगीना, जलवा के भीतर तिवई थर थर कांपे देव उगीना, भैले अरघिया के बेर सूरज देव उगीना, भैले अरघिया के बेर सूरज देव उगीना। कोई गीत और इतना सुंदर। देखिए छठ गीत की भी मैं बात करूं तो हर एक विधि विधान पर गीत लिखे हुए हैं और गीत गाए जाते हैं। कविता जी, आपने कहा कि ये जो पारंपरिक गीत है ये अगली जनरेशन को देनी बहुत ज़रूरी है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं अगर ये सोचते हैं कि गीत संगीत में उनका क्या कुछ भविष्य है, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हमारे खुद बिहार में ही मौजूद हैं कि खासकर छठ गीत गाकर कितनी सुप्रसिद्ध हुए हैं लोग। तो आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि इस क्षेत्र में कोई अपना भविष्य बनाना चाहता है तो कितना सुचारू रूप से बना सकता है। बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है भाई, हम अपनी चीज़ लेकर आ रहे हैं, अपने राज्य क्या, देश क्या,
विश्व को भी बताने वाले हैं कि ये हमारे पास है। और आप जानती ही होंगी कि विदेशों में भी अब हमारे गीत जो हैं इतने प्रचलित हो रहे हैं, चाहे वो मिथिला का झिझिया हो, वहाँ जो रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उसको वहाँ, हम, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी सोच है कि हम लोग ही शायद पीछे जा रहे हैं। जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, उनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये हमारी चीज़ है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता है, तो इसको हम लोग चारों ओर ये इसको प्रसारित करें गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। मुझे ऐसा, मैं किसी पे ये नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसी मेरी ही ये निजी सोच है कि हम ही कहीं बैक हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, अपने बच्चों को बता नहीं रहे हैं कि हमारे पास क्या है। इसको भी लेकर, लोक संगीत को लेकर तो कितने सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए हैं बिहार से और बाकी भी राज्यों से। ऐसा नहीं है कि उनकी जो प्रोफेशनल जो जीवन है उसमें कोई ये आया, वो बाकायदा मतलब उन्होंने सीख कर लोकगीत को आगे बढ़ाया है और आज भी हो रहे हैं गीत वैसे। हाँ, थोड़ी बहुत आ रही है त्रुटियाँ गायन में और जो भी म्यूज़िक संगीत में, तो वो हमारा कर्तव्य बनता है भाई कि इसको आगे बढ़ाओ और जितने भी हमारे लोकगीत हैं, संगीत हैं, उनसे कम से कम बच्चों को परिचय कराए और बाकी तो आगे उनको ये डिसाइड करना है कि क्या लेकर चलना है, लेकिन उनको अवगत तो कराएं हम लोग कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, मौजूद हैं और कितने समृद्ध हैं, रिच हैं। इन लोकगीतों को संजोने की बहुत अधिक ज़रूरत है। और देखिए ना, जब छठ गीत की हम बात करते हैं तो कितना कर्णप्रिय है, सुनते ही हमारे कदम रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग सा वातावरण बन जाता है। ये बोलने की बात नहीं होती है, केवल महसूस करने की चीज़ है और हम महसूस कर पा रहे हैं। कविता जी, बहुत प्यारे प्यारे छठ गीत आप सुनाती आ रही हैं। मैं चाहूँगी कि बातचीत तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन इसी क्रम में एक और प्यारा सा, क्यों ना छठ गीत हो जाए, अर्घ पर गीत हो गया है, और भी बहुत सारी परंपराएं होती हैं छठ पर, तो क्यों ना उस पे भी आधारित एक और प्यारा सा छठ गीत। कांचे ही बांस के बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बात जे पूछेला बटुहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जा, आन्हरे हुए रे बटुहिया, बहंगी आदित मल के जाए, बहंगी सूरज देव के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, उहां वे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी आदित मल के जाए, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कितनी सुंदर ये गीत, और देखिए ना, सारी बातें इसमें आ जाती हैं, छठ पूजा की सारी बातें आ जाती हैं, किस प्रकार हम छठ पूजा में घाट पर जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, सारी बातें, सारी परंपराएं इसमें कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं, सारे संबंधों की बात आ जाती है। देवर जी चली और अपने पति को कह रही है, मतलब सभी चीजों का समावेश है। बिल्कुल कविता जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत बहुत आनंद आया आज आपको इस स्टूडियो में बुलाकर और आपके प्यारी मुझे सी भी बातें बहुत अच्छा लगा और इतनी मधुर गीत सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ कमलेश जी आपका भी इतना प्यारा संगत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।
जी हाँ दर्शकों, हम छठ का महापर्व बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के साथ मिलकर मना रहे हैं और अब वक्त हो चला है कि आप अपने प्यारे से सुझाव हम तक पहुंचा दें और उसके लिए उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 801। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर डीडी के पटना @gmail.com। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।